संगत बैठी फिर कैसे पहचानेगी भाई कि कौन सी शक्ति दरबार में आई है? जब तक जयकारा नहीं लगाएगी तो बात कैसे बनेगी? भवानी रूप में चल रही है, दुर्गा रूप में चल रही है, ठीक है ना बच्चे? दुर्गा बाबू, बाबू सपने में दिखती नहीं तुझे? लाल कपड़े दिखती बहुत ज्यादा। तो बाबू दुर्गा वैष्णव रूप चल रहा है तेरे बच्चे, ठीक है ना? और बाबू इसीलिए तेरे शरीर भी जब तू पूजा स्थान में बैठती है भारी भारी हो जाता है, ठीक है ना बाबू? और तेरे पे चिड़चिड़ाहट बौखलाहट भी चढ़ती है बाबू। और ये बाबू वैष्णव रूप में है, ये वैष्णव रूप है, बिल्कुल शुद्धता से रहेगी साथ, समझ गई मेरी बात? ये मांस मदिरा ये नहीं चाहेगी जी माताजी, ये बिल्कुल तेरा विकराल रूप हो जाएगा बाबू। रूप हो जाता है जी, होता ना, ये वैष्णव शुद्ध है, प्याज लहसुन भी नहीं लेंगे आगे चल के, समझ रही है? समझ रही है बच्चे? तो ये बिल्कुल शुद्धता पे चलेगी, ये ना प्याज लेगी ना लहसुन लेगी आगे चल के, ठीक है ना बाबू? सवारी बच्चे तेरे पे पड़ी है, आगे चल के बाबू तुझे गुरु धारण करना पड़ेगा। ऐसे में बाबू तू खुद तेरी ये चीजें जो है शक्ति तू चला नहीं पाएगी, गुरु के बिना ज्ञान तू आगे शक्ति नहीं चला पाएगी जी, ठीक है ना? क्योंकि गुरु तुझे जब ज्ञान देगा तेरी शक्तियां आगे और बढ़ेंगी, शक्तियां भी तेरे लिए अच्छा काम करेगी बच्चे, ऐसे शक्तियां काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना? ऐसे में दूसरी चीज तेरे पे झपेटा मारेगी, क्योंकि जब गुरु धारण होता है बाबू तो गुरु का कवच हो जाता है, जिसमें भी शक्ति खेले, ठीक है ना? और तेरे शरीर में बार बार आ रही है तो आने दे बाबू, आ रही है तो आने दे, कुछ बोलना चाह रही है तो आने दे। हाँ माता, कुछ बोलती तो हमारे घर के बारे में बताती कुछ। बाबू बिना उसके क्या बोलेगी, अभी तो उसमें परछावा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसीलिए बाबू, क्योंकि पहले ये शुद्धता गुरु धारण करेगी, शक्ति गुरु धारण के बाद ही बोलती है, खुल के घर की पूछा अपने आप देखेगी फिर। लेकिन इसके लिए कुछ जब तब भी करना पड़ता है बच्चे, ठीक है ना? क्योंकि शक्ति शरीर पे आना फिर उसको चलाना बाबू, ये अलग कार्य होता है। जैसे माता जी कुछ खाना पीना वगैरह बाहर का वगैरह अभी कुछ कुछ परहेज करना बाबू, परहेज करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तेरी भगवती साथ चल रही है, ठीक है ना? तुझे कभी खुशबू नहीं महसूस होती थी? तुझे तो उसने संकेत भी दिए हैं खुशबू के, कभी अचानक से तुझे फूलों की खुशबू आएगी या धूपबत्ती की गंध लगेगी, है ना? तो इसने तुझे संकेत तो बराबर दिए बाबू, ठीक है ना? अगर बाबू इसको विश्वास से मानेगी ना मेरी बात सुन, तो तेरे घर के जो जैसे जो दिक्कत आती है ना पति को काम पे भी, वो दिक्कत नहीं है। हाँ माता जी, मेरे समझ रही है? हाँ जी, पति को भी बहुत कुछ काम काज नहीं होता, परेशान है। हाँ बाबू, इसीलिए मैंने क्या कहा, अगर सही चलेगी ना तो उसके काम अपने आप शक्ति बन जाएगा, शुरू कर देगी, ये भवानी है बाबू, ठीक है ना? इसको जितना साधेगी मानेगी और साथ में पूरा परिवार काम बनाती चल जाएगी, और अगर इसको जरा भी कोसा तो इसी तरफ उल्टा पलटवार करेगी, ठीक है ना? क्योंकि जितनी ममता मई है उतना क्रोधित मैं ही चलूँ तेरे साथ बाबू, दुर्गे भवानी में, ठीक है ना बाबू? एक ही रूप है। हाँ बाबू, एक है सात रूप दुर्गे का, ये जो तेरे पे अंश है बाबू, ठीक है ना माता जी?